नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं पकौड़े वाली कढ़ी। पकौड़े की कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पकौड़े की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 5 चम्मच बेसन, और इसमें मैं ऐड करूँगी अभी हल्दी, 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। अभी मैं इसमें थोड़े थोड़े पानी ऐड करके एक गाढ़ा घोल तैयार कर लूँगी। ये छोटे से कटोरी से मैंने 1 कटोरी पानी लिया है, इससे ही मैं अपना घोल रेडी कर रही हूँ। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालें, नहीं तो छोटे छोटे गाँठ पड़ जाते हैं। इसे थोड़े थोड़े पानी डाल के हम बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से हमारा घोल रेडी हो जाएगा। अभी हमारा घोल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिला के थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूँगी, जिससे इसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए रखें। 15-20 मिनट रख देने से दोस्तों हमारा जो पकौड़े होते हैं काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और फूले फूले बनते हैं। जब तक हमारा घोल आराम कर रहा है तब तक हम अपना कढ़ी के लिए घोल रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी दही और इसमें मैं डालूँगी 1.5 कटोरी बेसन। मैंने 5 जन के लिए ये कढ़ी बनाई है और ये काफ़ी है 5 जन के लिए। इसमें मैं ऐड करूँगी अभी 2 कटोरी पानी। ये मिक्सर ग्राइंडर में घोल बनाने से काफ़ी अच्छा घोल बनता है और एक भी गांठ नहीं रहती है। अभी आप देख सकते हैं हमारा घोल कितना अच्छे से रेडी हो चुका है, कोई भी गांठ नहीं पड़ी हुई है इसमें। तो चलिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ी में डालने के लिए मैंने लहसुन और मिर्चा ले लिया है। मैंने 4 ही मिर्चा लिया है, अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो और भी मिर्चा ले सकते हैं। दोस्तों इसको कभी मिक्सर में पीसे नहीं, इसको हमेशा ही खलबट्टे में कूट के, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक मैंने छोटा सा प्याज लिया है, इसको मैं पकौड़े में ऐड कर लूँगी। इसको बहुत अच्छे से मैं कूट लूँगी। अभी मैं सबसे पहले पकौड़े बनाने के लिए कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और इसमें तेल डाल दिया है। दोस्तों कभी भी तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालें, तेल हमेशा पकौड़े में डालने के लिए कम ही रखें। अभी मैं इसमें प्याज ऐड कर ले रही हूँ और अभी मैं इसमें नमक और थोड़ी सी हींग ऐड कर लूँगी। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, मैं थोड़ा सा घोल डाल के चेक कर लूँगी कि हमारा घोल अच्छे से रेडी है कि नहीं। तो हमारा घोल भी रेडी हो चुका है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के मैं पकौड़े तल रही हूँ। जो पकौड़े में होल होते हैं ना, उससे कढ़ी अंदर जाती है, पकौड़े काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पकौड़े हमारे फूल रहे हैं। पकौड़ों को पलट कर मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लूँगी। अभी आप देख सकते हैं कितने फूले फूले पकौड़े बन रहे हैं और ये काफ़ी सॉफ्ट है। अभी मेरे पकौड़े हो गए हैं तो मैं इनको निकाल ले रही हूँ। और जो हमारे घोल बचे हुए हैं उनसे थोड़े और पकौड़े बना लूँगी। घोल को हमेशा 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फेंट कर रख देने से पकौड़े अच्छे बनते हैं, ऐसे ही फूले फूले और नरम मुलायम बनते हैं। अभी हमारे सारे पकौड़े तल के हो चुके हैं, तो अभी मैं आगे की तैयारी करूँगी। कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा तेल है मैं उसको निकाल लूँगी और उसी कढ़ाई में मैं कढ़ी बनाऊँगी। इसके लिए मैंने डाला 1 चम्मच मेथी। मेथी डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी में। और मैंने डाला है थोड़ा सा सौंफ
और थोड़ी सी हींग। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से कढ़ी पत्ते और ये लहसुन मिर्चा जो मैंने कूटा था उसको डाल रही हूँ। इसको 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से हल्के हाथ आँच पे भून लेंगे। इसको जलना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा कढ़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसको भी मैं 1 मिनट ही भूनूंगी। अभी हमने जो कढ़ी के लिए घोल रेडी किया है वो मैं घोल डाल लूँगी और इसके साथ ही मैं पानी डाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पे कम से कम 2 लीटर पानी ऐड किए हैं और मैं कढ़ी को अच्छे से पकाऊंगी। और हाँ, जब तक इसमें उबाल ना आए तब तक चलाते रहिएगा, नहीं तो कढ़ी फट जाएगी। जब उबाल आ जाए तो फिर कढ़ी नहीं फटती है। और तो हाँ, अगर आपको खट्टी दही चाहिए, कढ़ी चाहिए, तो आप और दही ऐड कर सकते हैं। और आपको कम खट्टी चाहिए तो और कम कर सकते हैं। मेरी दही थोड़ी मीठी थी तो मैंने 1 कटोरी लिया था। और यहाँ पे आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपको और तीखा खाना है। अभी हमारी कढ़ी में उबाल आ गई है तो मैं इसको कम से कम 30 मिनट पकाऊंगी और मीडियम हाई फ्लेम पर रहेगा। जब हमारा 20 मिनट हो जाएगा तब मैं इसमें पकौड़े ऐड करूंगी। यहाँ पे अभी मैं नमक भी ऐड कर लूँगी। और हाँ, बिना उबाल आए नमक कभी भी ऐड ना कीजिएगा, नहीं तो हमारी कढ़ी फट सकती है। अभी कढ़ी को पके हुए 10 मिनट हुए हैं और हमारी कढ़ी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी कढ़ी को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये कम भी हो गया है। अब मैं इसमें पकौड़े ऐड कर लूँगी और इसको 10 मिनट तक पकाऊँगी। कढ़ी जितना ज़्यादा पकती है उतने अच्छा स्वाद आता है। मेरे पकौड़े इतने सॉफ्ट हुए हैं कि वो कढ़ी के ऊपर ऊपर ही घूम रहे हैं। इसको मैं कलछी से अच्छे से दबा दूँगी ताकि इनके अंदर कढ़ी चला जाए। ये कढ़ी खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है और इसे बच्चे और बड़े सभी लोग पसंद से खाते हैं। अभी हमारे पकौड़ों को पकते हुए 10 मिनट हो चुका है, हमारी कढ़ी रेडी है। तो मैं अब गैस को बंद कर लूँगी। और हाँ, अगर आपको तड़का देनी है तो आप यहाँ पे तड़का दे सकते हैं, मुझे तड़का नहीं देनी थी। कढ़ी को कभी भी पूरी तरह से ना ढकें, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। तो मैं थोड़ा आधा करके ढक रही हूँ और इसमें जो भी गैस बनेंगे वो निकलते रहेंगे। तो दोस्तों बताइए कैसी बनी है मेरी कढ़ी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप यहाँ पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।